हरे कृष्ण, मैं हूं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो धार्मिक अनुष्ठान आप करते हैं उसमें क्या महत्व है उसका। तो जो धार्मिक अनुष्ठान हो या पूजा पाठ हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो या देवों की आराधना हो, सभी शुभ कार्यों में हाथ की कलाई पर लाल धागा यानी मौली बांधने की परंपरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मौली यानी कलावा क्यों बांधते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? कलावा यानी रक्षा सूत्र बांधने के पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों में बड़ा महत्व है। आइए हम आपको बताते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे ऊपर। मौली का तात्पर्य सिर से होता है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। भगवान शंकर के लिए सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। वैदिक परंपरा के अनुसार रक्षा सूत्र या मौली बांधना वैदिक परंपरा का एक हिस्सा है। कहा जाता है कि यज्ञ के दौरान या पूजा पाठ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा पहले से ही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही साथ रक्षा सूत्र के रूप में बांधे जाने का वजह है और पौराणिक संबंध भी है। आइए हम आपको बताते हैं कि इसका क्या पौराणिक संबंध है। कैसे होती है मौली? मौली कच्चे धागे से बनाई जाती है। इसमें मूलतः तीन रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला और हरा, लेकिन कभी कभी ये पांच धागों के भी होते हैं जिसमें नीला और सफ़ेद भी होता है। तीन और पांच का मतलब कभी त्रिदेव के नाम की जो भी कभी कभी त्रिदेव के नाम से का होता है और कभी कभी पांच देव के नाम से होता है जिसको पंचदेव भी कहते हैं। मौली को कहाँ कहाँ बांधते हैं, आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। मौली को हाथ की कलाई, गले, कमर इत्यादि में बांधा जाता है। मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है, जहाँ अगर आपने कोई मान्यता मानी है या कोई मन्नत मांगी है तो वहाँ जो ये मौली है बांधी जाती है। मन्नत पूरी हो जाने के बाद इसे खोल दिया जाता है और मौली को देखा जाता है कि घर में अगर लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है। जैसे घर में कोई नया वस्तु ला दिए उस पर भी इसको बांधा जाता है। इसे पशुओं को भी बांधा जाता है। मौली बांधने के आपको नियम बताते हैं। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए और जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। जिस हाथ में कलावा बधवा रहे हों उसकी जो मुट्ठी है बधी होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बांधें, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस सूत्र को केवल तीन बार ही लपेटना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मौली का चिकित्सीय पक्ष क्या है, आइए इसके बारे में आपको बताता हूँ। कलाई, पैर, कमर और गले में मौली बांधने के चिकित्सीय लाभ क्या है, तो इसका चिकित्सीय लाभ भी है। क्या चिकित्सा आपको बताते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है और इसी से इनका संतुलन रहता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मौली बांधना हितकर होता है। और अब हम बात करेंगे आज के पंचांग की। अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 24 फरवरी 2019, दिन है रविवार, षष्ठी तिथि है, स्वाति नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, चंद्रमा रहेगा तुला राशि में, शुभ समय 12:17 से लेके 1:03 तक रहेगा और आपका राहु काल है 4:57 से लेके 6:23 अपराह्न सायंकाल तक रहेगा। पश्चिम दिशा का दिशा शूल है, यात्रा करने से परहेज करें। यदि लगता है यात्रा परिहार है, करना जरूरी है, तब क्या करें, दही और गुड़ खा के यात्रा कर सकते हैं।
को आपको मैंने बताया पंचांग, और अब हम बात करेंगे आज के दिन जो जन्मे जातक हैं उनके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज है 24 फरवरी 2019, तो आज जो जातक जन्म लिए हैं उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। आप खूब आगे बढ़ें, प्रगति करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, परमपिता परमेश्वर से हार्दिक प्रार्थना है। अब हम बात करेंगे कि जो 24 तारीख के जन्मे जातक हैं उनके लिए साल कैसा रहेगा। तो जो 24 तारीख के जन्मे जातक हैं उनके लिए समय देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपका समय अच्छा रहेगा, खेती इत्यादि, खेती की जमीन, कृषि योग्य भूमि खरीद सकते हैं, उसके लिए बेहतर समय चल रहा है। जगह जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। यदि आप शेयर में, गोल्ड में, जमीन में अगर पूंजी इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है, आयात निर्यात इत्यादि का भी योग बन रहा है। तो मैंने आपको बताया आज के दिन जन्मे जातकों का कैसा होगा भविष्य, और आइए अब हम आपको बताते हैं कि 12 राशियों के बारे में कि किस राशि का भाग्योदय होगा, किसकी चमकेगी किस्मत, किसकी होगी पदोन्नत, किसको मिलेगा आर्थिक लाभ, तो इस सारे के बारे में आइए आपको बताता हूँ। तो अब हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए समय काफ़ी फेवरेबल है। आपको चारों तरफ से धन की स्थिति अच्छी होगी, लेखन कार्य में आपका रुचि लगेगा, साहित्यिक क्षेत्र में अभिरुचि बढ़ेगी, और जो लेखन कार्य करेंगे उससे धन लाभ होने की भी संभावना बन सकती है। आपका कैरियर वहीं से निर्धारित होगा, लेखन कार्य से, लालित्य कला के क्षेत्र से, स्केचिंग पेंटिंग से आज आपको धन मिलने की संभावना दिख रही है। परिवार में शुभ कार्य हो सकता है। गृह निर्माण का प्रबल योग बन रहा है। चार पहिया वाहन खरीद सकते हैं, उसका प्रबल योग बन रहा है। रोग और शत्रु परास्त होंगे। जीवन संगिनी का सुख मिलेगा। जो भी आप इधर प्रयास करेंगे उसमें आपको अपने योजनाओं में, कार्यों में बड़े पैमाने पर सफलता मिलते हुए दिख रही है। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं आपकी राशि से सातवें चंद्रमा है तुला राशि में, तो तुला राशि का चंद्रमा आपके घर से राशि में पत्नी भाव में बैठा हुआ, तो आज आपका पत्नी का सहयोग मिलेगा। मेंटल, मॉरल, इमोशनल हर तरीके का धर्म पत्नी का सपोर्ट मिलेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपनी भाषा परिमार्जित हो, कटु एकदम न बोले, इसका ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, भगवान सूर्य की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान सूर्य को जलाभिषेक करें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि वाले जातक हैं आप बहुत ही सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं, इमोशंस में आके कई बार आप गलत निर्णय लेते हैं, तो आपको जरूरत है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की। आपने जो भी अब तक योजनाएं बनाई है उसमें लगता है कि आपको सफलता नहीं मिल रही, लेकिन ऐसा नहीं है, आज उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको चैरिटी कार्यों से मान सम्मान मिलेगा, दीन दुखी गरीब लोगों की मदद के लिए खड़े होंगे, धन लाभ की स्थिति अच्छी होगी। और कई बार क्या होता है कि आप रोग और शत्रु को हल्के में लेते हैं, तो उनको ओवरलुक करने की जरूरत नहीं है, उसको गंभीरता से लें और अपने थोड़ा सा निदान करें। अपनी बातें, जो भी आप अपनी बातें हैं गुप्त रखें, नहीं तो आपकी बनी बनाई योजनाएं फेल हो सकती है, कार्य होते होते रुक सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है। तो जो तुला, जो वृष राशि के जातक हैं आपकी राशि से चंद्रमा आ गया छठे, तो छठे से आज आपको क्या होगा कि जो भी आप प्रगति करेंगे तो विरोधी सक्रिय हो जाएंगे, खड्यंत्रकारी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके साथ खड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन चिंतित होने की जरूरत है क्योंकि खड्यंत्रकारी विफल होंगे और आपको लगेगा कि कोई स्पिरिचुअल पावर मदद कर रही है। तो जो भी संकट है उसका निदान होगा, तो खूब आगे बढ़िए, प्रगति करिए, प्रगतिवादी सोच रखिए और जो प्लानिंग कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, उसको क्रियान्वयन करने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, अगर वो एक्सपोज कर देंगे, अपनी योजनाएं बता देंगे, तो आपका कार्य होते होते रुक सकता है। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करें और उनको 11 गुलाब का पुष्प अर्पित करें। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि वाले लोग हैं
आज आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने बहुत सारे एक साथ कार्य करने के अवसर मिलेंगे, लाभ की स्थिति रहेगी, अपनी योजनाओं को संपन्न करने का समय आ गया है, अपनी योजनाएं जैसे बहुत दिन से लग रहा आपका कार्य रुका हुआ हो नहीं रहा है तो सारे कार्य हो सकते हैं, उसका समय अच्छा चल रहा है। लेखन कार्य से आज आपको धन मिल सकता है, यदि आप गीत लिख रहे हैं, कहानी बना रहे हैं, फिल्म लिख रहे हैं तो सारी आपकी चीज़ें हिट होगी, आपको लाभ मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। और ध्यान रखना है कि भाषा मधुर हो, कटु भाषा का प्रयोग करने से परहेज करना है, आलस्य का परित्याग करें, संततियों से मन आपका प्रसन्न रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, आय से अधिक व्यय करने से परहेज करना है, मन को थोड़ा नियंत्रण में रखें। उपाय क्या करना है, गौशाला में गाय को हरा मटर खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग हरा है, लक मीटर 8 है, हरे कृष्ण। तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आज आपको एक तो अपने मन स्थिति पर, सोच पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आपकी मानसिक उद्विग्नता बनी रहेगी तो अपने सोच को, मन को बैलेंस रखें, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान ना हो, गुस्से में ना आवे, नेगेटिव ना सोचें, नकारात्मक सोच से बचने की जरूरत है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, आपको सफलता मिलेगी, वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम समय चल रहा है, आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे, अनावश्यक विवाद करने से बचना है। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आपकी राशि से आज चंद्रमा है आपका सुख भाव में, संतान भाव में, जो तुला राशि का चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, चौथा भाव माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है, जगह जमीन जायदाद आज आप खरीद सकते हैं, माता का सुख मिलेगा। अगर घर बनाने की प्लानिंग करें तो घर बनवा सकते हैं, नौकरी इत्यादि का सुख मिलेगा, गाड़ी खरीद सकते हैं, तो समय सुख सुविधा में वृद्धि का बन रहा है, माता पिता का सुख, प्रमोशन इत्यादि के लिए बेहतर समय चल रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय चल रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य का परित्याग करें। उपाय क्या करना है, गाय को पूड़ी खिलाना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 9, हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं, आज आपके परिवार में शुभ कार्य होने का योग बन रहा है, संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, दूर देश की यात्रा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए खासतौर से समय थोड़ा सा बढ़िया चल रहा है, एक तो एकाग्रता होगी, पढ़ाई लिखाई होगी, करियर के लिए अच्छा होगा। लेखकों के लिए समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, साहित्यिक जगत से आज आपको लाभ मिलेगा, बड़ा नाम हो सकता है, आपकी यश प्रतिष्ठा ख्याति में वृद्धि होगी, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, आय के स्रोत बढ़ेंगे। तो जो सिंह राशि के जातक है, आपकी राशि से तीसरे चंद्रमा है, ठीक, तो आज आप आलस्य का परित्याग करें, परिवार में बेवजह विवाद न करें और किसी के टेरिटरी में दखलंदाजी न करें, भाई बहन को नौकरी मिल सकती है, इसका प्रबल योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी कार्य करें सोच समझ के करें। उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें आपके लिए अच्छा रहेगा, ओम ग्रेड़े सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 9, हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको नए प्रकार के रोजगार के अवसर मिलेंगे, रियल इस्टेट से लाभ मिलेगा, माइंस पेट्रोलियम ईंधन गैस इन सब चीज़ों में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। नए प्रकार के कार्य करने के अवसर मिलेंगे, फर्टिलाइजर के क्षेत्र से भी लाभ मिलेगा और आपकी जो भी योजनाएं हैं बनाई गई है उससे बड़े पैमाने पर सफलता मिलते हुए दिख रही है। पिता का सहयोग प्राप्त होगा, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है। आपकी राशि से दूसरे चंद्रमा है तुला राशि का, तो जो तुला राशि के चंद्रमा द्वितीय भाव में होने से व्यक्ति को लालित्य कला से धन मिलेगा। यदि आप लेखन का कार्य करते तो अच्छा कर सकते हैं, यदि आप संगीत में हैं तो आप अच्छा संगीतकार हो सकते हैं, साहित्यिक अभिरुचि के तो अच्छा साहित्यिक क्षेत्र में जा सकते हैं, ख्यात मिलेगी और आपको लेखन कार्य से धन मिलने की संभावना दिख रही है। तो लेखन, स्केचिंग, पेंटिंग इत्यादि से भी आपका करियर बन सकता है, इसके लिए अच्छा समय चल रहा है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, सावधानी क्या बरतनी है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। उपाय क्या करना है, मंदिर में हरा मटर दान करें। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं तुला राशि के। तो जो तुला राशि वाले जातक हैं, आज आपके लिए समय काफी महत्वपूर्ण है। एक तो आपका रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, जो आपका धन रुका हुआ वो मिलेगा,
सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, राजनीतिक लाभ मिलेगा, राजनीति के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकते हैं, भाई बहन के प्रति जो आपकी दायित्व है उसको निर्वाह करने में सफल रहेंगे, परिवार में नया कार्य शुभ कार्य हो सकता है, निर्माण कार्य होने के भी योग बन रहे हैं, वाहन सुख मिलने का भी प्रबल योग बन रहा है, पिता से लाभ मिलते हुए दिख रहा है। तो जो तुला राशि के जातक, आज आपके लग्न में ही चंद्रमा है, तो आज आपकी समस्त महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का समय आ गया है, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हैं और सारा कार्य आपका होते हुए दिख रहा है। तो हर तरीके से आज आपको लाभ की स्थिति बन रही है और पत्नी का सपोर्ट मिलेगा, जीवन संगिनी का काफ़ी सहयोग मिलेगा, नौकरी मिल सकती है और आय के स्रोत बढ़ सकते, इसकी संभावना दिख रही है। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतने की जो भी काम करें ठीक से करें और इमोशन में आके निर्णय न लें। उपाय क्या करना है, नीला वस्त्र किसी गरीब महिला को दान करें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि भाषा संयमित परिमार्जित बोलना है। अगर आप मीठा भाषा नहीं बोल सकते तो कटु भाषा का प्रयोग एकदम न करें। परिवार को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका अच्छी रहेगी। संतान से आज आपका मन थोड़ा उद्विग्न हो सकता है, पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर के चिंता की स्थिति बनी रहेगी और नए व्यक्ति से किसी प्रकार का लेन देन न करें। अगर इस तरह का व्यवसाय करते हैं तो सावधानी बरतना जरूरी है। विदेश जाने का भी प्रबल योग बन रहा है, नए प्रकार का कार्य कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, रियल इस्टेट में माइंस में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आज आपके लिए अच्छा रहेगा। फर्टिलाइजर केमिकल इन सब चीज़ों का काम करें तो अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग फाइनेंस से भी बड़ा लाभ आज आपको मिल सकता है। सावधानी क्या बरतने, संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। उपाय क्या करना, हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान जी को चोला चढ़ावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है मैरून, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं धनुराशि की। तो जो धनुराशि वाले जातक हैं, आज आपको शिक्षा के क्षेत्र से बड़ा लाभ मिलेगा। प्लानिंग करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, योजनाओं से आज आपको लाभ मिलेगा। जो भी आपने योजनाएं बनाई है उसमें सफलता मिलने का योग बन रहा है। वाणी और गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, अति आत्मविश्वास से बचें, उसमें काम आपका बिगड़ सकता है। दूसरों के साथ अप्रिय बर्ताव न करें। प्रॉपर्टी तत्व खरीदने का भी योग बन रहा है। कारोबारियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए समय अच्छा चल रहा है। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आप जो माफ़ करिएगा, जो धनुराशि वाले जातक हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। एक तो आप लेखन के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, अध्यात्म पर बड़ा कार्य कर सकते हैं, नया दिशा दे सकते हैं, समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। जो दीन दुखी हैं, जो हतोत्साहित तो लोग हैं, उनको उत्साह देने का, उनको एक नई प्रकार का दिशा दे के वो अपने करियर के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सोच समझ करके कोई भी निर्णय लें अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, गाय को अपने हाथ से रोटी और गुड़ खिलावें अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है आपका केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। तो अब हम बात करेंगे गुरु के नुस्खे की। तो गुरु के नुस्खे में हम आपको छोटे छोटे उपाय बताते हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो आज है दिन रविवार, कई बार क्या होता है कि आप कोई काम करते हैं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता, यश नहीं मिलता और पिता से वैचारिक मतभेद होता है और पिता सूर्य का कारक होता है। तो आज चूंकि दिन रविवार है तो एक तो आपकी प्रगति हो, आपको ख्याति मिले, पिता से स्नेह मिले और कोई भी परेशानी है उससे आपको निजात मिले और सूर्य ग्रह आपका स्ट्रांग हो। तो इसके लिए आप क्या करें कि प्रातः काल उठें, स्नान ध्यान करें और स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग का वस्त्र पहने और एक तांबे का पात्र लें और तांबे के पात्र में क्या करें कि जल डाल लें, केसर डाल लें, लाल पुष्प और चावल को लाल रंग में रंग लें और भगवान सूर्य को अभिषेक करें, जलाभिषेक करेंगे। इस तरीके से नियमित आप करेंगे तो देखेंगे कि जो आपके सूर्य से संबंधित जो परेशानियां हैं, जिसके नाते मान लीजिए क्रेडिट नहीं मिला, यश नहीं मिला, कोई काम नहीं हो, इसमें सब में आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि के। तो जो मकर राशि के लोग हैं, आज आपने जो भी योजनाएं बनाई है, प्लानिंग की है, सारे कार्यों में आज आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलेगी। कार्य आपके सारे संपन्न होंगे, जगह जमीन खरीद सकते हैं। आप बेवजह गुस्सा करते हैं तो उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। अति आत्मविश्वास में कार्य बिगड़ सकता है तो अति आत्मविश्वास न करें।
संतान से मन आपका प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों खिलाड़ियों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी और अपनी योजनाएं गुप्त रखने की जरूरत है। पत्नी की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा चिंता की स्थिति हो सकती है। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है, आय से अधिक व्यय होने से मन तनाव में हो सकता है, तो व्यय पर नियंत्रण करने की जरूरत है। तो जो मकर राशि के जातक है, आपके राशि से दशम भाव में तुला राशि का चंद्रमा है, तो आज आपको को राजनीति से लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा और जो भी प्लानिंग करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, उसमें बड़े पैमाने पर सफलता मिलते हुए दिख रही है। सावधानी क्या बरतनी, अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको गृह निर्माण करने का प्रबल योग बन रहा है, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे, संतान से मन प्रसन्न रहेगा, अज्ञात व्यक्ति से कोई लेन देन न करें, गुप्त धन मिलने की भी संभावना बन रही है, सरकार से भी लाभ होने की संभावना दिख रही है और अध्यात्म में पूजा में इत्यादि में आपका मन लगेगा। जगह जमीन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, कृषि योग भूमि खरीद सकते हैं। रोग और शत्रु को हल्के में ना लें, तेज गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें। तो जो तुला तो आज कुंभ राशि के जातक है, आपके राशि से नवें भाग्य स्थान में चंद्रमा है, तो आज आपका भाग्य इतना अच्छा है कि जो भी जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे वह कार्य आपको आपका कार्य अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, जो भी काम करेंगे आपके लिए सफलता का द्योतक होगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपका मन आहत हो, इसका ध्यान रखना। उपाय क्या करना है, सरसों के तेल का दीपक जलावे, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग है हरा, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि वाले जातक हैं, उनका समय थोड़ा सा सोच समझ करके रहने की जरूरत है, उतार चढ़ाव का है, तो अपने को थोड़ा बैलेंस रखें और अपनी धैर्य को रखें, अच्छा रहेगा, आपकी आगे का काम अच्छा चलेगा, समय अच्छा होगा। दोपहर के बाद जो एफर्ट करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, रोजी रोजगार के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना दिख रही है, चतुर्दिक क्षेत्र से आय के स्रोत दिख रहे हैं। और जो मीन राशि के जातक है, आपके राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा है, तो यदि आप समुद्र के किनारे से व्यापार करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, देश विदेश से लाभ मिलेगा, आय के संसाधन बढ़ेंगे, मल्टीटास्किंग कार्यों से धन लाभ होगा, लालित्य कला स्केचिंग पेंटिंग इत्यादि से भी धन मिलने की संभावना दिख रही है। सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी काम सोच समझ करके करें। उपाय क्या करना है, चने का दाल मंदिर में दान करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। आज मैंने आपको बताया कि मौली का वैज्ञानिक तरीके से क्या महत्व है, आध्यात्मिक क्या महत्व है, धार्मिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है और मौली को धारण करने से आपकी कैसे सुरक्षा होती है, और जो बात कप पित्त जो होता है, बात कप पित्त और ये जो 5 तत्वों से मिलकर आपके शरीर बना होता है, ये कैसे संतुलित रहता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, तो हम आपको चलते चलते बता दें तो कल है आपका 25 फरवरी 2019, दिन है सोमवार, सप्तमी तिथि है, विशाखा नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, चंद्रमा रहेगा तुला राशि में, शुभ समय है 12:17 से लेके 1:02 अपराह्न काल तक, राहु काल है 8:22 से लेके 9:48 प्रातः काल तक है, पूर्व दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। हरे कृष्ण।